भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय के दिल में बसता है। इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम कोई मैच हारती है तो वो 145 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी तोड़ जाती है। भारत के लोगों का मानना है कि भले ही आप किसी भी अन्य टीम से हार जाओ, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से कभी मत हारना, क्योंकि जो जश्न ये जीतने के बाद मनाते हैं वो हर हिंदुस्तानियों के दिलों को चीरता है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही मैच के बारे में जहां पूरी भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ महज 105 रनों पर ढेर होकर शर्मिंदगी की स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी ने अपने दम पर हारी हुई बाजी को बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है जून 2014 से, जहां भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। इस दौरे पर रोहित, कोहली, शिखर सहित धोनी सभी को आराम दिया गया था और कप्तानी सुरेश रैना के हाथों में थी। मुशफिकुर रहमान तो आपको याद ही होंगे, हाँ वही नागिन डांस करने वाले भाई साहब। इस सपोले का बयान जरा सुनिए। इनका कहना था, यहाँ से भारतीय टीम जब हार कर जाएगी तो कहीं भी ये नहीं लिखा जाएगा कि हमने भारतीय टीम को हराया है, सभी यही कहेंगे कि हमने भारतीय टीम को धूल चटाई है। लेकिन इन जनाब को ये पता नहीं था कि शेर चाहे जंगल में रहे या पिंजरे में, कहलाता वो जंगल का राजा ही है। खैर, सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम जीत चुकी थी और दूसरे मैच में बांग्लादेश के दर्शक और खिलाड़ी दोनों तैयार थे। तारीख थी 17 जून 2014, खेल पर शुरू से ही बारिश का साया मंडरा रहा था, पर किसी को ये तनिक भी एहसास नहीं था कि आज बारिश तो होगी लेकिन पानी की नहीं बल्कि विकेटों के पतझड़ की। टॉस बांग्लादेशी कप्तान मुशफिकुर रहीम ने जीता और फील्डिंग का निर्णय ले लिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने अजिंक्य रहाणे और रॉबिन उथप्पा आए। बांग्लादेश के निर्णय को मुशर्रफी मुर्तजा ने पहले ही ओवर की दूसरी ही गेंद में सही साबित कर दिया। मुर्तजा ने अजिंक्य रहाणे को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी। रहाणे के आउट होने के बाद उथप्पा ने कुछ बेहतरीन शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन उस मैच में डेब्यू कर रहे तस्कीन अहमद ने उथप्पा की पारी मात्र 14 रनों पर समाप्त कर दी। वहीं भारत का स्कोर 26 रनों पर 2 विकेट हो गया। धीरे धीरे बांग्लादेश के गेंदबाज भारत पर हावी होने लगे। अभी भारत के खाते में महज 2 ही रन जुड़े थे। भारत को तस्कीन ने अंबाती रायडू के रूप में एक और झटका दे दिया। रायडू भी मात्र 1 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़े। अब भारत 28 रनों पर 3 विकेट गंवाकर संकट में फंस चुका था, लेकिन स्थिति अभी और भयावह होने वाली थी। भारत को इस संकट से निकालने के लिए आते हैं कप्तान सुरेश रैना और उनका साथ निभा रहे होते हैं चेतेश्वर पुजारा। एक तरफ पुजारा धैर्य से बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं रैना तेजी से रन बटोर रहे थे। भारत अभी संभल ही रहा था, लेकिन तस्कीन अहमद आज कुछ और ही सोच कर आए थे। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर ही तस्कीन ने पुजारा को LBW करके भारत के किले में सेंध लगा दी। भारत का स्कोर 55 रनों पर 4 विकेट हो गया था, लेकिन कप्तान अभी भी क्रीज पर जमे थे और उनका साथ निभाने आते हैं विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह। शाह ने आते ही चौका लगाकर पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और भारत की उम्मीदों को बल मिल गया, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और मशरफी मुर्तजा ने 70वें ओवर की 5वीं गेंद पर शाह के पैर पर दे मारी और अंपायर ने बिना संकोच किए शाह की पारी मात्र 5 रनों पर समाप्त कर दी। भारत को अभी कुछ भी समझ आता उससे पहले ही भारत के साथ एक और दुर्घटना हो गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने स्टुअर्ट बिन्नी ने पहली ही गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ धकेलकर 2 रन लेने का प्रयास किया। रैना 1 रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन यहां उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने अपने बाएं हाथ में ग्लव्स को पकड़ रखा था और दाहिने हाथ में बैट, जिस कारण से वो डाइव नहीं लगा पाए। इसी वजह से भारत ने रैना के विकेट के साथ अपनी उम्मीदें भी खो दी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों का जोश बढ़ता ही जा रहा था और भारतीय खेमे के ये मायूस चेहरे साफ कहानी बयां कर रहे थे कि आज भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है। भारत 66 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। भारत की लाज रखने और किसी तरह स्कोर को 100 के ऊपर पहुंचाने अक्षर पटेल आते हैं। आते ही अक्षर ने 2 चौके लगाकर भारत को थोड़ी राहत पहुंचाई ही थी कि अल अमीन ने उसी ओवर में अक्षर को भी बोल्ड कर दिया। पूरे मैच में यही हो रहा था, जैसे ही भारत की उम्मीदें जगती थी तो बांग्लादेश ही उसे रौंद कर रख देते थे। अक्षर के खाते में सिर्फ 8 रन ही जुड़े और इसके कुछ देर बाद स्टुअर्ट बिन्नी भी तस्कीन की गेंद पर कीपर को कैच दे बैठे। स्टुअर्ट ने मात्र 3 रनों का योगदान दिया। तस्कीन अहमद आज किसी के रोके नहीं रुक रहे थे और जैसे ही उन्होंने 23वें ओवर की पहली गेंद पर अमित मिश्रा को आउट कर 5 विकेट पूरे किए तो पूरा शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम खड़े होकर तस्कीन का अभिवादन करने लगा और भारतीय समर्थक निराश होकर अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। भारत 86 रनों पर 9 विकेट गंवा चुका था। अब तो 100 रन भी भारत से काफी दूर लग रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों के इस झुके हुए कंधे को बल देने का प्रयास उमेश यादव ने जरूर किया। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 105 रनों तक पहुंचा दिया। शाकिब की गेंद पर आउट होने से पहले उमेश भारत की तरफ से दूसरे सर्वाधिक स्कोरर थे। उन्होंने 13 गेंद पर 17 रनों की पारी खेली।
भारत मात्र 25 ओवर में 105 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 106 रन बनाने थे और बांग्लादेशी खिलाड़ी तथा समर्थक काफी ज्यादा उत्साहित थे। उन्हें अपनी जीत से ज्यादा भारतीयों के हारने का जो जश्न मनाना था, पर कहते हैं ना, अति उत्साह ही आपके पतन का कारण बनता है। खैर, 106 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरते हैं बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और अनामुल हक। तमीम पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर आगे निकलकर चौका जड़कर भारतीय ड्रेसिंग रूम में ये साफ संदेश देते हैं कि बांग्लादेश भारत को न सिर्फ हराने बल्कि 10 ओवर में मैच खत्म करके भारत को शर्मिंदा करने की नीयत से उतरी है। बांग्लादेश के नाकाम मंसूबों को मोहित शर्मा ने ओवर की दूसरी गेंद पर ही करारा झटका दे दिया। तमीम मात्र 4 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे और फिर बांग्लादेश की ओर से बल्लेबाजी करने आते हैं मिथुन आयन। मिथुन ने आते ही उमेश यादव को 2 चौके जड़ डाले और प्रेशर वापस भारत की ओर मोड़ दिया। मोहित शर्मा ने अपने दूसरे ओवर में ओपनर अनामुल हक रहाड़े के हाथों कैच कराकर बांग्लादेश को ये मैसेज भेज दिया कि भारतीय शेर इतनी आसानी से हथियार डालने वाले नहीं है। अब मुश्किल में फंस चुकी बांग्लादेश की टीम को बचाने आते हैं उनके कप्तान मुशफिकुर रहीम। बांग्लादेश यहां से बिना कोई जोखिम लिए भारत को मैच से दूर ले जाने लगी। मिथुन के कुछ अच्छे शॉट्स ने और कुछ एजेस बांग्लादेश को लक्ष्य के करीब लेकर जा रहा था। 11वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर था 44 रनों पर 2 विकेट और यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 177 गेंदों पर मात्र 62 रन और उनके 8 विकेट अभी भी बचे हुए थे। बांग्लादेश को जीत साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 12वां ओवर लेकर आए स्टुअर्ट बिन्नी। उस दिन स्टुअर्ट बिन्नी को भी ये अंदाजा नहीं था आज वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कल्पना से भी परे है। बिन्नी ने पहले मुशफिकुर के हाथों कैच कराकर बांग्लादेश को तीसरा झटका दिया। उस वक्त बांग्लादेश का स्कोर था 44 रनों पर 3 विकेट। अगले ओवर में ही बिन्नी ने मिथुन को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर बांग्लादेश को संकट में डाल दिया। बांग्लादेश अभी कुछ समझ ही पाती उससे पहले उसी ओवर की अगली ही गेंद पर महमूदुल्लाह को 0 पर आउट करके बांग्लादेश को 5वां झटका दे दिया। अचानक से बांग्लादेश के खेमे में हलचल मच गई। अब बांग्लादेश का स्कोर 50 रनों पर 5 विकेट हो गया। यहां से भारतीय शेरों के अंदर एक ऊर्जा सी आ गई और अगले ओवर में मोहित शर्मा ने बांग्लादेश को साकिब के रूप में बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया। तो वहीं उसी ओवर में जियाउल रहमान को आउट करके बांग्लादेश को काफी पीछे धकेल दिया। इसके बाद स्टुअर्ट बिन्नी ने बांग्लादेश को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया और एक एक करके बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फिर अंत में अल अमीन को क्लीन बोल्ड करके बांग्लादेश के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। बांग्लादेश 58 रनों पर ढेर हो चुकी थी। उनके दर्शक और खिलाड़ी हताश हो चुके थे। बांग्लादेश ने महज 14 रनों के भीतर अपने 8 विकेट गंवाकर ये मैच स्टुअर्ट बिन्नी ने 4.4 ओवरों में 2 मैडन सहित 4 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया। बांग्लादेश को अब ये समझ में आ चुका था कि कभी शेर को उंगली नहीं करना चाहिए। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।